अलहमदिल्ला आपके वीडियो के जरिए से अपने को ऑर्डर्स अच्छे खासे है, तो इसका डिमांड अभी थोड़ा ज़्यादा है, तो इसके लिए इसको रिस्टॉक करें। सो शारिक भाई, इसमें ब्लू वाले श्रिम्स है ना? हाँ भाई, इलेक्ट्रिक ब्लू श्रिम्स है। ओके, तो तकरीबन ये 100 पीसीस मंगाया हूँ मैंने अभी। हाँ, सो गाइस, आज मैं आप लोगों को शारिक भाई के यहाँ पे जो न्यू गप्पी का स्टॉक आया हुआ है वो स्टॉक दिखाने वाला हूँ। काफ़ी सारे हेल्दी गप्पीज है और हाई क्वालिटी जैसे हमेशा से उनके गप्पीज रहते हैं। सो वहाँ कुछ 7 से 8 स्ट्रेन्स है डिफरेंट जो अभी आए हुए हैं, और साथ ही साथ उनके पास कुछ श्रिम्स भी आए हैं। सो सारे फिशेस हम कवर करेंगे और क्या क्या प्राइसेस है वो भी जानेंगे। सो वीडियो को पूरा देखना गाइस। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आसमान एडवेंचर। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं शारिक भाई के यहाँ और उनके पास अभी नया स्टॉक आया हुआ है गप्पीज का। आप देख सकते हो काफ़ी सारे गप्पीज आए हैं। सो इसमें कौन से स्ट्रेन्स हैं और उनकी क्या प्राइस है शारिक भाई हमें बताएंगे। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शारिक भाई से मिलते हैं। सो यह हमारे साथ है शारिक भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। सो शारिक भाई, आज कौन से स्ट्रेन्स आए हुए? भाई अभी मेरे पास है 8 स्ट्रेन टोटल। ओके, लेकिन उसमें रीस्टॉक है। हाँ, मतलब लास्ट टाइम जो आप कवर करके गए, हाँ, उसमें से 5 या 6 स्ट्रेन्स सिमिलर है, 5-6 स्ट्रेन सिमिलर है। हाँ, 1 या 2 नहीं आई हुई। ओके, सो सब एक एक करके देख लेते हैं स्ट्रेन्स। हाँ, एक एक करके देख लेंगे। ठीक है। सो गाइज, ये फर्स्ट ट्रेन है। शारिक भाई, इनका डिटेल्स बता दीजिए। ये भाई लास्ट टाइम आपने कवर की थी, वही है ड्रैगन डम्बू। आप देख सकते हो उसका डम्बू है। लास्ट टाइम भी मतलब आपने कवर करके गए थे तो इसका डिमांड थोड़ा ज़्यादा है, तो ये बार भी ये स्टॉक में ज़्यादा ही है। ओके, क्योंकि इसका ईयर का क्वालिटी बहुत बेटर है पहले से। फर्स्ट टाइम भी आप जब आए थे ये कवर करके गए थे, हाँ, तभी छोटे पीस थे। अभी थोड़ा मेल एडल्ट साइज है, मतलब 4.5 मंथ्स के आसपास की एज के। फीमेल छोटी है भाई, फीमेल का शायद दिख रहा भी होगा। हाँ, फीमेल, तो फीमेल थोड़ी छोटी है, फीमेल 3 मंथ्स के आसपास की। ओके, अच्छा, मतलब जो भी ब्रीड करेगा उसको क्लच जो है वो प्योर ही मिलेगा उसका। हाँ, फिर ठीक है। इसका क्या प्राइस है? ये वाली है भाई 220 रुपीज पेर। 221 पेर ना जी। ठीक है, नेक्स्ट वाली देख लेते हैं। ओके, सो गाइस, ये सेकंड स्ट्रेन है, येलो पिंगू ना? हाँ भाई, येलो पिंगू। येलो पिंगू है, और इसका क्या प्राइस है? ये वाली है भाई, ये भी 220 रुपीज पेयर है। 220 फॉर अ पेयर राइट। और आपको अगर जैसे कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कर देंगे? हाँ, हो जाएगी भाई, ये मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेन देखते हैं जी। सो गाइज, ये थर्ड ट्रेन है, इसका थोड़ा डिटेल्स बता दीजिए शारिक भाई। ये भाई अल्बाइनो फुल रेड AFR फ्लावर डॉर्सल है। ओके, और ये जो है आप देख सकते हैं अगर वीडियो में, फीमेल छोटी है भाई, तो इसमें मेल भी जो है छोटा है, इसका फुल पोटेंशियल हाँ, नहीं है। ओके, तो इसका डॉर्सल और अच्छा होएगा और फीमेल भी और बड़ी साइज़ की, फीमेल ऑलमोस्ट 2 मंथ्स की है। अच्छा, 2.5 मंथ्स, मतलब काफ़ी यंग पीस है। हाँ, दोनों यंग पीस है, मेल भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, इनका क्या प्राइस है? ये 200 रुपीज पे रहेगी भाई। ओके, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेन देखते हैं शारिक भाई। ये नेक्स्ट ट्रेन, ये भाई येलो टैक्सी है। ओके, यंग पीसेस है ना ये भी? या ये भी यंग पीसेस है सर, आप देख सकते हैं। और इनका क्या प्राइस है? ये 180 रुपीस पे रहेगी भाई। 180 रुपीस पे, ठीक है। ये सारे गाइस जस्ट अभी इनके पास आए हैं, अभी तो अनपैकिंग कर रहे हैं जिस वजह से थोड़े शांत लग रहे होंगे, लेकिन देखिए फिर भी है एक्टिव। हाँ, मतलब एक्टिव नहीं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट पैक से ओपन करके दिखा रहे हैं। इसके लिए स्टार्ट में दिखाया, पूरे सारे फिशेस पैक थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते। सो शारिक भाई, इनका डिटेल्स? ये भाई फुल गोल्ड। फुल गोल्ड में, तो टॉप व्यू से अपन लास्ट टाइम दिखाए थे वीडियो में। हाँ हाँ हाँ। और इसमें फीमेल थोड़ी बड़ी साइज की है अभी। ओके, और इनका क्या प्राइस है? ये 200 रुपीज पेयर भाई। ओके, ठीक है। और अपन स्टार्ट में मतलब जितनी 5 से 6 स्ट्रेन जो दिखाएंगे ना, तो वो ऑलमोस्ट भाई मतलब अपन रिस्टॉक करें। अलहमदिल्ला आपके वीडियो के जरिए से अपने को ऑर्डर्स अच्छे खासे है, तो इसका डिमांड अभी थोड़ा ज़्यादा है, तो इसके लिए इसको रिस्टॉक करें। 1 या 2 स्ट्रेन है जो नहीं आई है, तो लास्ट में बता देंगे। ठीक है, ठीक है। सो स्टार्ट में वही वाले जो रिपीट हुए वो दिखा देते, ताकि लोगों को क्वालिटी वगैरह एटलीस्ट समझ जाए कि जैसी पहले थी वैसी ही क्वालिटी है।
सो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं जी। सो शारिक भाई ये वाले स्ट्रेन का भी डिटेल बता दीजिए। ये HB वाइट भाई, वाइट टक्सीडो, वाइट टक्सीडो ना। और इनका क्या प्राइस है? ये भी 180 रुपीज़ आएगी। और ये न्यू लाने जा, लास्ट टाइम भी बताया था, न्यू लाने वाली वाइट टक्सीडो। ओके ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सो शारिक भाई इनका डिटेल्स, ये सेंटा क्लॉज है भाई, वाइट ईयर वाली। ओके आप एकदम फर्स्ट टाइम जब आपने फर्स्ट वीडियो बनाया था तभी थी ये, अभी ये वापस बहुत टाइम के बाद आई है। हाँ बट ये इसकी फीमेल आप देख सकते हैं, इसकी फीमेल ऑलमोस्ट जाइंट साइज की है। हाँ फीमेल काफ़ी बड़े साइज में है, जंबो साइज है। इनका क्या प्राइस है? ये 200 रुपीज़ पर आएगी, 200 फॉर ठीक है। नेक्स्ट ट्रेन देखते हैं। तो शारिक भाई ये वाला स्ट्रेन कौन सा है? ये भाई प्लैटिनम मोजाइक है, जो नॉर्मल मोजाइक आती ना वो नहीं, प्लैटिनम है और ग्रीन ईयर है। ओके और इसका शायद इसमें पूरा कलर आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये जस्ट निकली है। आगे का जो पोर्शन है वो प्लैटिनम में, नॉर्मल जो चिली मोजाइक आती है वही है बट आगे प्लैटिनम है इसमें। हाँ, और ईयर इसके ग्रीन है। हाँ ईयर ग्रीन होंगे। ओके और क्या प्राइस है इनका? ये आएगी 200 रुपीस पर भाई। और लास्ट में जो दो सैंटा क्लॉज और ये जो हम लोग दिखाए, ये दो नई स्ट्रेन है ये टाइम। ओके मैं एक बार दिखा देता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं ये न्यू स्ट्रेन जैसे आया हुआ है, पहले हमने कभी कवर नहीं किया हमारे चैनल पे ये वाला स्ट्रेन शारिक भाई का। और ये जैसे बता रहे हैं प्लैटिनम मोजाइक में ग्रीन ईयर है, डम्बो में। राइट डम्बो है, डम्बो में ग्रीन ईयर है। ओके ठीक है। सो आज के जितने स्ट्रेन आए थे वो हमने कवर कर लिए ना? राइट हो गए। ठीक है। सो शारिक भाई इसमें ब्लू वाले श्रिम्स है ना? हाँ भाई इलेक्ट्रिक ब्लू श्रिम्स है। ओके तो तकरीबन ये 100 पीसीस मंगाया मैंने भी। हाँ ये आएंगे अपने को 60 रुपीस पैर, सॉरी 60 रुपीस पीस आएंगे। 60 रुपीस पीस। ओके और होलसेल में 55 रुपीस आएंगे। रिटेल में 60 रुपीस पर पीस, होलसेल में 55। मेल फीमेल मिल जाएगा ना इसमें? हाँ हाँ मिल जाएगा भाई। सो शारिक भाई आई होप सारा स्टॉक तो दिखा दिया आपने, गप्पी और जो श्रिम्स आए हुए। सो अभी और कुछ इसमें आप ऐड करना चाह रहे हैं? ऐड मतलब भाई कैसा है ना, क्या अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल के थ्रू बहुत क्वेरीज भी आ रही है, तो खाली एक ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड थोड़ा मैं क्लैरिटी दे देता हूँ कि कैसा है ना भाई, ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं स्टेशन वाला, तो भाई मैंने पहले ही बोला स्टेशन पे मैं देने को रेडी हूँ, बट आप लोग एक पैर के लिए मुझे इतना दूर दूर बुलाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ वो तो आपने वीडियो में ही बोला था। तो एक फिर भी पैर नहीं कर सकता। और एक चीज कैसा, प्राइस का भी देखिए बहुत जगह ऐसा होता है कि वीडियोस में क्लियरली नहीं बताते, तो हम लोग प्राइस भी जो रिटेल का इसी के लिए बता रहे ताकि आप लोगों को क्वेरी ना हो। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप वीडियो के थ्रू आ रहे जैसे अमान भाई के, तो आप प्राइस बार बार मतलब क्वेरी ना करें, मतलब क्लियरली उसमें मेंशन किया हम लोग कुछ इसी के लिए, मतलब अमान भाई भी इतना टाइम दे रहे हैं तो इसी के लिए एक एक स्ट्रेन हम लोग कवर करते हैं एंड उसको प्राइस स्पेसिफिक इसी के नाम के साथ भी देते हैं। हाँ। तो प्राइस का भी कैसा, अगर आपको कंफ्यूजन आता तो आप क्लैरिटी ले, बट आप उसको बार बार नहीं पूछे, रिटेल में प्राइस वही रहेगा, होलसेल के लिए आप मुझे क्वेरी करेंगे अलग से तो वो चल जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सो गाइस ये बताने का रीजन भी इनका ये है क्योंकि लास्ट टाइम जैसे जो भी मतलब इनको प्रॉब्लम्स आए हैं तो वो चाह रहे हैं कि इस वीडियो के थ्रू वो चीज़ भी वो आप लोगों को कम्युनिकेट कर सके ताकि आगे जाके वो प्रॉब्लम नहीं हो। मतलब आप भी एकदम क्लियर रहे और वो भी एकदम क्लियर है। और एक कुरियर का भी प्रॉब्लम है, कुरियर में देखो कैसा ना भाई, एक से दो और लोग ने मेरे को क्वेरी किया, तो भाई कुरियर का प्राइस मैं डिसाइड नहीं करता हूँ। हाँ। कुरियर का तो जो प्राइस रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा, फीस में अगर थोड़ा बहुत बार्गेन हो सकता है वो मैं कर देता हूँ, लेकिन कुरियर में अगर मैंने आपको जो प्राइस दिया ना भाई, वो कुरियर का चार्जेस आपको ही पे करना पड़ता है, तो उसमें मैं अगर 150 या 200 आपके लोकेशन का जो भी रहेगा तो आपको पे करना पड़ेगा, उसमें सॉरी उसमें मैं बार्गेन नहीं कर सकता। हाँ क्योंकि वो तो जितना मतलब वहाँ पे करना है वही चार्जेस है देखा जाए तो। हाँ सो गाइज अगर आपका कोई पर्सनल आप इनके नियर बाय जानते हो जो आपको कुरियर करा सकता है, आप चाहो तो वैसा भी कर सकते हो, शारिक भाई उनको भी हैंड ओवर कर देंगे, लेकिन अगर वो खुद करा रहे तो आपको रिसिट वगैरह भी भेज देंगे जितना उन्होंने पे किया है। हाँ रिसिट है जो भी है वो भेज सकते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है भाई 1 kg, एक और मैं स्पेसिफिक बता देता हूँ, गप्पीज का आप ऑर्डर करेंगे ना तो 1 kg के पैक में 5 से 6 पेयर जाते हैं बॉक्स में जो आता है ना, तो आप अगर मेरे से ऑर्डर करें तो 1 kg का एक जो भी मिनिमम अमाउंट रहता है उसके उसमें 5 to 6 पेयर ही आते हैं, अगर आप उसके ऊपर लेंगे तो फिर वो चार्जेस डबल होते हैं। हाँ। उसका अलग रहता है।
बट मिनिमम 1 किलो में आप 5 to 6 पेयर ऑर्डर कर सकते हैं। वही उसके ऊपर डाल भी नहीं सकते क्योंकि फिर वो सेफली पहुंचेंगे भी नहीं। तो बस इतना ही रहेगा ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड जो क्वेरी भाई से मैंने क्लियर किया, और कुछ भी रहेगा मैं मैक्सिमम ये बोलता भाई कॉन्टेक्ट अगर आप मुझे कर रहे हो फोन पे में से बात कर लो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा शाम का टाइम जो ऑफिस का होता है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे जितना कॉन्टेक्ट करना है ना आप मेरे से मैसेज पे बात कर लीजिए, कोई इशू नहीं, मैं आपको वापस रिप्लाई कर दूंगा। ये एक दो चीज़ें थोड़ी क्लियर करनी थी मुझे, व्हाट्सएप पे आप जितना मेरे से क्वेरी करोगे ना चैट पे मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। हाँ सो गाइस कभी वो ऑफिस में रहते तो शायद कॉल मिस हो जाए, वो आपको कॉल बैक तो कर लेंगे लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि ज्यादा मिस कॉल की वजह से कुछ कुछ मिस हो जाते हैं। और मेरा काम कैसा है कि मैं आप लोगों को कॉन्टेक्ट कर दूँ, मैं मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम चैट के थ्रू ही कॉन्टेक्ट करता हूँ। हाँ सो आप व्हाट्सएप करो बेस्ट है, क्योंकि वीडियो भेज दिया आपको प्राइस है तो उस पर भेज दिया तो और क्लियर होता है, वरना के फोन पे भी मैंने बता दिया फिर वापस पूछना पड़ता है तो चैट पे एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है इतना ही है। हाँ मतलब व्हाट्सएप पे गाइस वो आपको अपडेट जो भी रहेगा दे देंगे, व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई 100% आएगा ही आएगा जी। सो फर्स्ट प्रेफरेंस आप व्हाट्सएप को ही दीजिए, अगर आप नहीं आपको लग रहा है नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं जा रहे वैसा कुछ है उस केस में आप कॉल कर लीजिए, लेकिन जो फर्स्ट प्रेफरेंस है व्हाट्सएप को ही दीजिए जी। सो आई होप, और मतलब ये तो बता दिया आपने शिपिंग वगैरह तो आपने पहले भी बताया हुआ ही है जी। और कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं नहीं बाकी तो हो गया है। ठीक है सो सारे फिशेस तो माशाल्लाह काफी हेल्दी और हाई क्वालिटी है इस बार भी हमेशा की तरह जी। और आपका बहुत शुक्रिया भाई कि आप आ रहे हैं तो उसके रिस्पांस भी आ रहे हैं मुझे, थैंक यू भाई जी। सो लेट्स सी कि अभी यहाँ पे भी कैसा रिस्पांस आता है। सो गाइस आप ये चीज को मेंटेन रखिए, जैसे शारिक भाई बोल रहे रिस्पांस अच्छा आता है। और बोलना चाहूंगा कि भाई आपको बहुत-बहुत मुबारक हो कि आपके 2K सब्सक्राइबर भी हो गए। थैंक यू भाई, और फॉलो करो भाई को सपोर्ट भी करो। थैंक यू सो मच भाई। सो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं शारिक भाई जी। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। सो यहाँ पे आप देखिए कुछ बेबीज भी है जो न्यू स्टॉक आया है उसमें उन्हें बेबीज भी मिले हैं, और साथ ही साथ आपको जैसे सारा स्टॉक तो हमने बता दिया अभी तक उन्होंने अनबॉक्स नहीं किया है सारे फिशेस, और शारिक भाई का एक बड़ा शिपमेंट भी जाने वाला है तो उसका भी वीडियो हम आपको बताएंगे। इसके कंटिन्यूशन में ही मैं आपको ज़रूर बताऊंगा सेकेंड वीडियो में, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना, काफ़ी सारे गप्पीज जो है वो जा रहे हैं। सो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैप्पी फिश कीपिंग।